दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों आज की पहली खबर में देखिए, वर्दी की चार रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर, 1 से 2 महीनों में होगी 62,000 पदों पर भर्ती। जी हां देखिए दोस्तों, वर्दी का शौक रखने वाले युवाओं के लिए बिहार सरकार सुनहरा अवसर प्रदान करने जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से राज्य पुलिस में 1 या 2 हजार नहीं बल्कि 62,000 पदों पर बहाली की तैयारी अंतिम चरण में है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से अगले 1 से 2 माह के अंदर सिपाही के करीब 6500 रिक्त पदों से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं बाकी के 55,000 से अधिक पदों पर यह चरणवार की जाएगी। वहीं देखिए जल्द ही नए पदों के सृजन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिपाही की बहाली को लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिला और इकाइयों से सिपाही के रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद यह आंकड़ा मुख्यालय को प्राप्त हो चुका है। वहीं देखिए बिहार पुलिस में वर्तमान में स्वीकृत सिपाही के पद में से करीब 6500 पद रिक्त है। इसके बाद अब पुलिस मुख्यालय रोस्टर क्लियरेंस में जुट गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने या अगले महीने तक हर हाल में सिपाही के इन पदों पर बहाली की अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद को भेज दी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शुरू हुआ शीतलहर का दौर, भागलपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम। जहाँ देखिए बिहार में दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। वहाँ देखिए मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि इस बार समय से पहले शीतलहर का असर दिख रहा है। बीते 10 वर्षों के मौसमी ट्रेंड की बात करें तो 15 दिसंबर से जिले में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है। इस बार 10 दिन पहले ही शीतलहर ने जिले में दस्तक दे दी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कब कबादी ठंड का सिलसिला 15 दिसंबर से अगले 15 जनवरी तक जारी रहती है। मकर संक्रांति न्यूनतम तापमान अगले 1 माह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बड़ी खबर में देखिए, लालू को किडनी देने के बाद तेजस्वी ने दिल खोल कर की बहन रोहिणी की तारीफ। जहाँ देखिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो चुका है। बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता के लिए अपनी किडनी डोनेट की है। अपनी किडनी पिता को देने के बाद रोहिणी आचार्य के चारों ओर जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच मंगलवार को तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य की तस्वीर शेयर करते हुए दिल खोल कर तारीफ की है। तेजस्वी यादव ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ऑपरेशन के बाद मेरी प्यारी बहन का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत है। उन्होंने आगे लिखा, मेरी प्यारी बहन रोहिणी आचार्य ने अटूट प्रेम, असीम त्याग, अदम साहस, अद्वितीय समर्पण और रिश्तों के वर्तमान दौर में अकल्पनीय पारिवारिक मूल्यों की जो अनूठी मिसाल कायम की है वो अवर्णनीय और अविस्मरणीय है। दूसरी तरफ में देखिए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का लालू यादव की बेटी को लेकर ट्वीट, रोहिणी को देखकर भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। जहाँ देखिए झारखंड के गोड्डा से लगातार 3 बार जीते सांसद निशिकांत दुबे ने रोहिणी आचार्य की तस्वीर को ट्वीट करके अपनी कसक जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी है, आज रोहिणी आचार्य को देख कर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी नानी हमेशा कहते थे, बेटा से बेटी भले जो कुलवंती हो। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस दौर में बड़े बड़े धनवानों को पैसे हाथ में लेकर डोनर ढूंढते देखता हूं, उस दौर में बेटे को अपने पिता के लिए ऐसे फैसले लेते देखना किसी भी इंसान को भावुक करता है। भाजपा के कदावर नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी रोहिणी आचार्य के इस फैसले की तारीफ की है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। बड़ी खबर में देखिए, पीएम मोदी ने किया तेजस्वी से फोन पर बात, लालू की स्वास्थ्य के लिए जानकारी। जब देखिए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बीते रात किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। लालू को नई किडनी उनकी ही बेटी रोहिणी आचार्य ने दिया है। इन्हें दोनों का ऑपरेशन सफल रहा है। इस दौरान राजद सुप्रीमो का पूरा परिवार ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन की सफलता और उनकी सलामती के लिए खड़ा रहा। तो वही लालू के किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को फोन कर लालू के स्वास्थ्य की हालत की जानकारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को फोन कर लालू के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। इसके साथ ही पीएम ने उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने जल्द से जल्द लालू के घर वापसी को लेकर भी तेजस्वी से बातचीत किया। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश ने कटाव ग्रस्त क्षेत्रों को किया हवाई सर्वेक्षण, कहा भागलपुर कटिहार में गंगा का कटाव रोकने के लिए बनेगा रोड मैप। जब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भागलपुर और कटिहार जिले में गंगा से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप तैयार होगा। उन्होंने जल संसाधन विभाग के सचिव व उच्च स्तरीय समिति को कटाव का निरीक्षण और उसे रोकने से जल्द
कार्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही बागमर मनिहारी में कटाव का डिटेल सर्वे कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री मंगलवार को भागलपुर और कटिहार जिले के कटाव ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बागमारा घाट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की एक्सपर्ट टीम से 3 दिन के अंदर कटाव ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति की जांच रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई की तारीख तय की, तब तक पूरी हो जाएगी चुनावी प्रक्रिया। जब देखिए बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक का खतरा मंडरा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। ऐसे में लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 का तारीख तय किया है। जाहिर है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन के बजाय इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कमीशन टाइप हो गया था। बड़ी खबर में देखिए, निजी नलकूप के लिए 30,000 किसानों को अनुदान देगी बिहार सरकार। यह देखिए, राज्य के 30,000 किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। इसके लिए 210 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। वहीं देखिए, अनुदान आधारित निजी नलकूप योजना के लिए मंजूरी के लिए लघु जल संसाधन विभाग जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश बनाकर किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नलकूप लगाने को लेकर जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग ने संयुक्त से सर्वे कर पंचायत और जगह चिन्हित किया है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार एक नलकूप लगाने में अधिकतम 84,600 रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत सामान्य को 50%, पिछड़ा व अति पिछड़ा को 70% और अनुसूचित जाति व जनजाति को 80% अनुदान मिलेगा। बड़ी खबर देखिए, बिहार शिक्षक नियुक्ति का छठा चरण, अगले सप्ताह आएगा काउंसलिंग का शेड्यूल। जैसे कि बिहार में छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रहे शिक्षक नियोजन का अंतिम शेड्यूल अगले सप्ताह की शुरुआत में ही जारी होने की संभावना है। सैद्धांतिक तौर पर विभाग ने इसका निर्णय ले लिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने हाल ही में छठे चरण के नियोजन को पूरा करने पर सहमति दी है। उसने यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। वहीं देखिए, आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2017 से 2019 बैड के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी काउंसलिंग शुरू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में खाली 32,000 से अधिक रिक्त पदों की नियुक्ति होनी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय में सत्र लेट होने पर हाईकोर्ट नाराज, 5 विश्वविद्यालय के वीसी पर लगाया जुर्माना। जहाँ देखिए, बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा समय पर परीक्षा नहीं लेने और परीक्षा फल प्रकाशित करने में देरी से नाराज पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, LNMU विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं देखिए, कोर्ट ने कुलपति पर जुर्माना लगाने के साथ ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अगले सुनवाई पर तलब किया है। वहीं देखिए, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विश्वविद्यालय के कामकाज पर फटकार लगाते हुए कहा कि समय पर छात्रों का परीक्षा नहीं लेने तथा रिजल्ट जारी नहीं किए जाने से उनके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। किसी भी सूरत में छात्रों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इस केस में राज्य के कई विश्वविद्यालय की ओर से हलफनामा दायर कर अपने विश्वविद्यालय का स्थिति स्पष्ट किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नई पहल, दिन में 2 बार मिलेगी ओपीडी सेवा। जी हां देखिए, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में अब दिन में 2 बार ओपीडी सेवा मिलेगी। सुबह 9 बजे से 2 बजे और दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों के लिए ओपीडी चलाया जाएगा। इसके लिए मरीजों का निबंधन ओपीडी के आधे घंटे पहले शुरू होगा और आधे घंटे पहले बंद होगा। ओपीडी का समय गर्मी और सर्दी में बदल जाएगा। वहीं देखिए, भारतीय मरीजों के इलाज को लेकर चिकित्सकों का मॉर्निंग और इवनिंग राउंड भी होगा। मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में चिकित्सकों का राउंड सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब सरकारी वकील नहीं लड़ सकेंगे प्राइवेट केस, विधि विभाग करेगा नियमावली में बदलाव। याद के विधि विभाग ने सरकारी वकील के नियुक्ति वचनबद्धता नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया है। अब कोई भी सरकारी वकील ना तो किसी प्राइवेट केस को स्वीकार कर सकेंगे, ना राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी केस में हाजिर हो सकेंगे। यहां तक कि सिविल मामले में भी किसी प्राइवेट व्यक्ति की ओर से केस को स्वीकार नहीं कर सकेंगे, बशर्ते कि वह केस राज्य सरकार के खिलाफ नहीं हो। वहीं देखिए, कोई भी सरकारी वकील प्राइवेट व्यक्ति चाहे वह याचिका
करता हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधानमंडल या संसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गई किसी निर्वाचन याचिका की कार्रवाई में किसी व्यक्ति की ओर से केस को स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल अथवा किसी नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो और जब तक वह पद पर रहेंगे सरकारी वकील के रूप में वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा सरकारी वकील के सहायक वकील भी अब सरकार के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 19 जिलों में हवा हुई बेहद खराब, टीबी एलर्जी व अस्थमा के मरीजों को हो रही है दिक्कत। जहाँ देखिए पटना समेत राज्य के 19 जिलों में हवा बेहद खराब हो गई है। मंगलवार शाम 4 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक पटना के AQI 348 था, वही अन्य 18 जिलों में भी वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब दर्ज की गई है। यही स्थिति लगातार बनी रही थी, इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। बिहार में प्रदूषण का मुख्य कारण हवा में धूलकण का बढ़ना है, जिससे PM2.5 कहते हैं। राज्य के लगभग सभी जिलों में PM2.5 तय मानकों से अधिक है। वहीं देखिए माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य में प्रदूषण की यह स्थिति बनी रहेगी। डॉक्टरों का मानना है कि इस प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। जहां प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पहुंच गया है, वहां के लोग गैर जरूरी रूप से बाहर निकलने से परहेज करें। वहीं देखिए चिकित्सकों के मुताबिक वायु प्रदूषण से टीबी, एलर्जी और अस्थमा के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन मरीजों को अपने साथ इनहेलर रखना जरूरी है। सामान्य लोगों के मुकाबले रोगियों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए दूषित वायु में अधिक समय रहने से स्वास्थ्य तो लोगों को भी सांस व हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन होने लगती है। प्रदूषण के चलते बुजुर्ग और हृदय रोगों के साथ बच्चों को सुबह शाम घर से बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए। मास्क लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। और में देखिए केंद्रीय विद्यालय में 13,404 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी। जहां देखिए केंद्रीय विद्यालय में 13,404 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी शामिल है। वहीं इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट kbssangathan.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर तक है। 2 दिसंबर को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भर्ती के लिए 2 विज्ञापन निकाला गया था। इसमें प्राइमरी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और कई नॉन टीचिंग पदों के भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। पदों के अनुसार रिक्तियों की संख्या की बात करें तो प्राइमरी टीचर के 6,414 पद, प्राइमरी टीचर के 303 पद, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 1409 पद, वही ट्रेड ग्रेजुएट टीचर के 3,176 पद, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 702 पद, स्टेनोग्राफर के लिए 54, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 322, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11, इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 156, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 2, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6, लाइब्रेरियन के लिए 355, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 12 और प्रिंसिपल के लिए 239 पद शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।